हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज गाम्यास चैनल। गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में मेरा फ्लिपकार्ट क्लोथिंग हॉल शेयर करने वाली हूं, तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में करके बताइएगा। एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ में शेयर नहीं करने वाली हूं, ओनली 2 जो मैंने टी शर्ट रिसेंटली ऑर्डर करा था वो शेयर करूंगी। एक्चुअली रिसेंटली नहीं है, वो मुझे ऑर्डर किए हुए आई थिंक 5 to 6 मंथ हो गए हैं एंड उसको मैंने वॉश भी कर लिया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आफ्टर वॉश और हॉल वीडियो दोनों ही आपके साथ में 2-in-1 काइंड ऑफ वीडियो के साथ में शेयर कर रही हूं। तो या वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी पसंद आया करेगा इस, तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते मेरा चैनल दिख गया, तो प्लीज पार्ट बन जाइए मेरे चैनल का, एक फैमिली बॉन्डिंग बना लीजिए मेरे साथ में एंड वाया इंस्टाग्राम मुझसे कनेक्ट हो जाइए। एक्चुअली ये जो दोनों मैं आपको टॉप दिखाऊंगी उसके साथ में जो मैंने वीडियो है, फोटो वगैरह है, वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी जल्दी वाला अपडेट मिलता रहे तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है garima.tripathi.3950 और मेरी दूसरी आईडी भी है, वो है official_gamyaschannel। तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए एंड या अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। गाइस, फर्स्ट जो मैंने टी शर्ट ऑर्डर करा था वो कुछ इस तरीके का है एंड सबसे पहले आप इसकी डिज़ाइन देख लो। नेक इसका गोल है, राउंड नेक मिल जाता है एंड ये जो मैं आपको टी शर्ट दिखा रही हूँ ना उसमें आई थिंक एस से लेके एक्सल साइज तक अवेलेबल है। मैं एक बारी चेक करके फिर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एक्सल साइज मैंने वैसे यहाँ पे पिक करा है, आप देख सकते हो एक्सल साइज है और साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेरे साइज के हो तो एक्सल में जा सकते हो एंड इसका जो मटेरियल है वो होजरी है तो समर के हिसाब से बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होता है, यानी कि आप जब इसको पहनोगे तो बिल्कुल भी आपको अनइजीनेस या अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसका जो स्लीव है गाइज वो 3/4 स्लीव आ जाता है, बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट आप अभी देख सकते हो ये कुर्ती का भी 3/4 स्लीव है और ये जो कुर्ती है इसको मैंने मीशो से परचेस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा मीशो कुर्ता सेट हॉल रिसेंटली अभी अपलोड किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो ये जो इयर रिंग है इसका भी जो हॉल वीडियो है वो मेरे चैनल पे जा चुका है। तो फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके की बटरफ्लाई मिल जाएगी आपको, ये म्यूजिक वाला या हार्ट बीट जो भी बोलो उस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन है एंड बटरफ्लाई है। बैक साइड से आपको एकदम प्लेन मिल जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो आपको यानी कि जो नेवल है आपके उसके थोड़ा नीचे तक आएगा, हिप को थोड़ा सा कवर करेगा, पूरा कवर नहीं करता है बट बहुत ही अच्छा है, कम्फर्टेबल है पहनने पर। आप इसको एज अ डेली वियर या अगर आपकी जो डॉटर है वो टीनेजर है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है, तो उसके लिए भी आप इसको परचेस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग साइज लेके एंड बहुत ही अच्छा है। तो मेरी फर्स्ट टी शर्ट ये वाली है एंड सेकेंड जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है गाइज। अभी रिसेंटली मैंने जितने भी हॉल वीडियो वगैरह शूट करा है, रील्स वगैरह बनाया है, उस सब में मैंने यही वाला जो टी शर्ट है वो वेयर किया है एंड पहनने के बाद बहुत ही अच्छा एकदम फिटिंग सा हो जाता है, एकदम से आपकी जो बॉडी है उसको हग कर लेती है, बहुत अच्छा लगता है। और दिखाती हूँ मैं अभी आपको, बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दिया मैंने। ये है मेरी सेकेंड टी शर्ट बोलो या टॉप बोलो जो भी बोलो एंड इसमें भी जो मेरी साइज़ है वो एक्सेल है। एक्चुअली मैंने इसको वॉश किया था तो अभी थोड़ी थोड़ी गीली भी है ये, मैंने कई बार इसको पहन रखा था और होजरी मटेरियल है, बिल्कुल भी इसका कलर है ना बिल्कुल भी नहीं गया, एज इट इज़ ही है। उसको भी मैंने वॉश करा था, इसके पहले जो दिखाया ये भी मैंने वॉश करा है, मशीन वॉश किया है और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी कहीं से भी इसका कलर वगैरह नहीं गया है। इसकी भी जो स्लीव है ना 3/4 तो नहीं है बट आपके जो आर्म्स में फैट है ना उसको आराम से इजिली ये कवर कर लेगा। आप ट्राई ऑन देखोगे ना दोनों का तो आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डिटेलिंग मिल जाता है तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे तो ये बहुत पसंद है, जितने भी रिसेंटली रील बनाई है ना उसमें यही वाली टी शर्ट को वेयर किया है। फ्रंट से यहाँ पे आपको एक्चुअली इसमें 3 कलर हैं, यू कैन सी मरून वाइट ब्लैक कुछ इस तरीके का है और बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। और इसमें भी मैंने एक्सल साइज परचेस किया है, बैक से इसका प्लेन है और अगेन दोनों का जो मटेरियल है वो होजरी मटेरियल है। इसका जो मटेरियल है थोड़ा थिक टाइप का मटेरियल है, थोड़ा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग टाइप का मटेरियल है और जो दूसरी टी शर्ट दिखाया उसका मटेरियल भी होजरी है बट दोनों का जो मीन्स क्या बोलते हैं कपड़ा बोल सकते हैं मटेरियल काइंड ऑफ जो भी टेक्सचर है वो डिफरेंट है दोनों ही होजरी बट इसका जो है वो थोड़ा ऐसा मीन्स सॉफ्ट वाला है, ये भी सॉफ्ट है बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का पार्ट बन जाइए, चैनल का भी पार्ट बन जाइए एंड या बहुत एफर्ट्स लगता है गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट किया करो आप लोग,
चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके। और अभी मैं जाने वाली हूँ अपने मम्मी के घर पे, तो वहाँ के भी जो व्लॉग वीडियो है ना वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी रील्स बनाती रहती हूँ एंड और जो भी प्रोडक्ट वगैरह का रिव्यू है वो वहाँ पे भी शेयर करती रहती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।